मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शुरू किया गया काम यहां के लोगों के लिए लगातार आफत बनता नजर आ रहा है। वहीं आज इस काम के चलते हुए हादसे में एक बेकसूर मजदूर की जान पर बनाई। बताया जा रहा है कि काम के दौरान एक मजदूर मलबे की चपेट में आ गया, जिसमें दबकर मजदूर की बुरी तरह से घायल होने की सूचना मिली है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको भी बताते हैं। देहरादून में जब से स्मार्ट सिटी बनने का काम शुरू हुआ है, तब से किसी न किसी वजह से ये काम जनता के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्य के चलते पाइपलाइन का काम कर रहा एक मजदूर मलबे की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल मामला राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड का है, जहाँ आजकल स्मार्ट सिटी के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि वासु नाम का युवक आज यहां पर पाइपलाइन का काम कर रहा था, तभी बगल में पड़ा खुदाई का मलबा उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वो मौके पर मलबे में दब गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की ओर से इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और फायर स्टेशन की टीम के साथ साथ पुलिस विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और तकरीबन एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दबे हुए युवक को गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद उसे अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से युवक के दोनों पैर बहुत बुरी तरह से चोटिल हो चुके हैं। फिलहाल युवक का इलाज किया जा रहा है। अभी हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई थी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय भी हमारे यहाँ मौके पर मौजूद थे। मैं खुद अपने कर्मचारियों के साथ और जो इसमें एमडीडीएम में जो यहाँ मजदूर लोग थे उनको साथ लेके हमने उनका रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू करने के उपरांत जो है उसको हमने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उसके दोनों पैर नीचे मिट्टी में ज़्यादा दबे हुए थे, डांस सड़क के उसके ऊपर गिर गई। वो ऊपर का शुभ वाले का शुक्र है कि उसके ऊपर ना गिर उसके पैरों में गिर गई, जिस वजह से नीचे दब गया। बाद में मजदूरों ने हेल्प करके उसको बाहर निकाला। हम ये कहना चाह रहे हैं बस जिस तरह से ठेकेदार काम कर रहे हैं, लापरवाही ना करें। अभी तो दिन का टाइम था, मजदूर को देख ले बचा लेगा। इनके से रात्रि का टाइम होता तो कोई आमजन माना अगर गिर जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं कहीं ये देखा था विभागीय लापरवाही सामने आएगी, यहाँ पर विभागीय लापरवाही भी नहीं कह सकते। अब ये भी लापरवाही तो है भाई, ये कम से कम अगर ढांग अगर उठाई है तो हाथ उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, उसको ऐसे किसी जान के साथ खिलवाड़ ना हो। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।